मुझे तो लगता है कि इस ब्राह्मण का अटपटा संदेश सुनाने के अपराध में द्वारपाल जी को दंड दे दिया गया। सत्य कहा तुमने, इसीलिए ना तो अभी तक कोई संदेश आया और ना स्वयं द्वारपाल आए। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो सुदामा? धक्के मार के निकाले जाओगे तब जाओगे यहां से। अभी तक मेरे प्रभु का कोई संदेश नहीं आया है। हाँ, यदि उन्हें संदेश भेजना होता तो अब तक भेज चुके होते। जब मित्र के हृदय का द्वार बंद हो जाए तो उस द्वार पर एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए सुदामा। तुम सत्य कह रहे हो, मेरी मित्रता की भलाई इसी में है कि मैं यहां से लौट जाऊं। मेरे सखा सुदामा कहाँ है? महाराज, वो ब्राह्मण उस ओर चले गए। उस ओर? यदि कृष्ण मुझे भूल गए तो इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं है, मैं इस योग्य नहीं जो मुझे याद रखते। मेरी भक्ति में ही कोई कमी हुई है जो मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। सुन के ये द्वारपाल से मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण अपने महल से दौड़े दौड़े आए। सुन के ये द्वारपाल से मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण अपने महल से दौड़े दौड़े आए। बचपन के सखाए कृष्ण हुए अचंभित, बरसों के इस मिलन पे हुए वो विस्मित। करने को शुभ स्वागत नैनों शुरुआए, श्री कृष्ण अपने महल से दौड़ दौड़ आए। सुन के ये द्वारपाल से मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण अपने महल से दौड़ दौड़ आए। आप इस सखा को छोड़ कर जा रहे हो, ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे जो मुझे इतना बड़ा दंड दे रहे हो? मेरी नगरी में आकर मुझसे बिना मिले जा रहा है? मैं डर गया था सखा, मुझे बेचा कहीं तुम मुझे पहचानने से मना न कर दो। मैं तुम्हें पहचान ना पाऊं अपने सखा को? जिसके गुणगान में दिन रात करता हूं, जिसकी यादों को मैंने अपने हृदय में मोतियों की तरह संजो के रखा, मैं भला उसे कैसे भूल सकता हूं? दोष मेरा ही है, मैं तुम्हारी संपन्नता को अपनी विपन्नता के खाई से देख रहा था। इसीलिए तुम्हारी मित्रता से दूर हो गया सखा। सखा, मित्रता तो मन को जोड़ती है। मैं ये सारा वैभव सारा धन खो भी दूं ना तो तुम जैसे मित्र को नहीं पा सकूंगा।
और तुमने मुझे स्वयं से ही दूर कर दिया। सका मुझे क्षमा कर दो। नहीं सका, अब मैं तुम्हें तभी क्षमा करूंगा जब तुम अपने सका के गले लगोगे और सच्चे मन से मेरा नाम पुकारो। अब क्यों रुक गए सका? अब किस दुविधा में हो? मेरे इन धूल दूसरी वस्त्र से गंदे हो जाओगे मित्र। एक मित्र के शरीर पे लगी हुई धूल चंदन होती है। आओ ना सका, अपनी मित्रता का तिलक मुझे भी लगा दो। उनको गले लगाया, अपने समीप उनको फिर प्रेम से बिठाया। निज भाग्य पे सुदामा विश्वास न कर पाए, श्री कृष्ण अपने महल से दौड़ दौड़ आए। सुन के ये द्वारपाल हमसे तोड़ तोड़ आए। सका, तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। किंतु मेरा उद्देश्य तो अब आरंभ हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं सका। अभी तो तुम द्वारका आए हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। अक्रूर जी। जी महाराज। मेरे सका को महल तक ले जाने के लिए पालकी का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। सका, अब तक इतनी दूरी मैंने पैदल तय कर ली है तो पालकी की क्या आवश्यकता है? अब तुम द्वारका में हो, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। सका, तुमने गुरुकुल का स्मरण करवा दिया। बालपन में भी ऐसे ही हट्टी थे। अब इतनी हट करने का तो अधिकार है ना मुझे। पलक पालकी बैठ सुदामा, कांधे उठाए जिसको कान्हा। पलक पालकी बैठ सुदामा, है ये सुदामा की भक्ति निर्मल। आज मिला है जिसका ये पल, प्रेम उद्गार को मन में भर कर कान्हा हुए है मित्र के जाकर। कैसा ये वरदान मिला है, कैसा ये वरदान मिला है। भक्त के वश भगवान हुआ है। जीवन में पालकी देखी थी किंतु पहली बार बैठा। सका, तुम पालकी उठा रहे हो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पालकी उतारो सका। क्यों सका, बचपन में तुम भी तो मेरी पालकी ढोते थे।
हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। और अब जब मुझे अपनी सखा की पालकी ढोने का आनंद मिल रहा है तो वो भी मुझसे छीनना चाहते हो। ये कौन ब्राह्मण देव हैं? इनकी पालकी स्वयं द्वारकाधीश हो रहे हैं। अवश्य ही कोई बहुत बड़े पुण्य का काम किया होगा इन्होंने। ये तो वही ब्राह्मण देव है। इसका अर्थ है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आओ सखा। देवी, आप सदैव पूछती थी ना कि मैं प्रतिदिन किसकी प्रतीक्षा करता हूं, तो वो ये मेरे परम मित्र, मेरे सखा सुदामा। स्वागत है आपका। ये सत्य है? ये प्रतिदिन मेरी प्रतीक्षा करते थे? इतनी अधिक कि चिंता होने लगी थी हमें इनकी। अब हो गया विश्वास? विश्वास तो पहले से ही था सखा। मैं तो बस भाभी से दो टुक बात करना चाहता था। पर सखा, तुम्हें मालूम था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा? वो मित्र ही क्या जो अपने सखा के दिल का भाव न जाने। मैं जानता था तुम अवश्य आओगे, किंतु ये नहीं पता था कि इतना समय लगा दोगे। मैं क्षमा चाहता हूं। नहीं सखा, क्षमा मत मांगो, ये तो नियति है और सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। आओ सखा, महल में तुम्हारा स्वागत है। आइए। दीदी, हाँ, प्रभु के मुख पर आज जो प्रसन्नता मैंने देखी वो इससे पहले कभी नहीं थी। रुक क्यों गए सखा? आसन ग्रहण करो। तुम क्या कह रहे हो सखा? ये आसन नहीं, तुम्हारा सिंहासन है। मैं भला इस पर कैसे बैठ सकता हूं? लगता है बचपन की सारी बातें भूल गए तुम। मित्रता में कुछ मेरा तुम्हारा नहीं होता, सब हमारा होता है। इसलिए सखा, जो मेरा है वो तुम्हारा है। लाइए देवी, मेरा सखा बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा है।
इनके पैर मैं स्वयं पखारूंगा। नहीं सका। सका, आज तुम्हारे सामने द्वारकाधीश नहीं, तुम्हारे बालपन का मित्र है। मुझे मेरी मित्रता का कर्तव्य पूर्ण करने दो। कृष्ण सुदामा को ही निहारे, कृष्ण सुदामा को ही निहारे, अश्रु जल से पाँव पखारे, उनके पाँव के घाव भी धोए, देख सुदामा नैन भी रोए, चंदन अवटन कान्हा लगाए, दुखद स्नान उन्हें करवाए, देख सुदामा भी भरमाए, देख सुदामा भी भरमाए, कृष्णा उनको भोग लगाए। राजा अपने मित्र को सब कुछ दे सकता है, किंतु सिंहासन मुझे इस बारे में गुरुदेव से बात करनी होगी। दीदी, द्वारकाधीश से न जाने कितने भक्त प्रतिदिन यहाँ आते हैं, परंतु जो उत्साह, जो उमंग, जो प्रसन्नता सुदामा के आने से इन्हें मिली है वो दुर्लभ है। सत्य कहा तुमने जमवंती, ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु हमें ही भूल गया। दीदी, मैंने हमेशा से यही इच्छा की है कि मेरी भक्ति से भी द्वारकाधीश को यही प्रसन्नता मिले, परंतु मेरी समझ नहीं आता कि सुदामा की भक्ति में ऐसा क्या विशेष है। वो मैं तुम्हें बताती हूँ, आओ बहन, आओ। ये देखो, ये क्या है दीदी? जिस द्वारकाधीश की प्रतिमा ये संसार अपने घरों में स्थापित करता है, जिनके मंदिर बनाए जाते हैं, उनके कक्ष में भक्त सुदामा की प्रतिमा? भक्तों के पास तो सदैव ही उनके भगवान की प्रतिमा होती है, किंतु सुदामा संसार में वो प्रथम भक्त है जिसकी प्रतिमा उनके भगवान के पास है। परंतु दीदी, इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक ही कारण है जमवंती, और वो है सुदामा की निस्वार्थ भक्ति। परंतु दीदी, प्रभु तो अपने सखा सुदामा की निस्वार्थ भक्ति के कारण उनके प्रेम में बंध गए। अब हम क्या करें दीदी, जिससे कि हम अपनी भक्ति से प्रभु को बांध सके? अब प्रभु की भक्ति का तो केवल एक ही मार्ग है, और वो है उनके सखा की भक्ति, सुदामा की निस्वार्थ सेवा। क्योंकि सुदामा की प्रसन्नता से ही प्रभु हम पे भी उसी प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं। तो दीदी, हम एक कार्य कर सकते हैं, इसका आरंभ हम भोजन बनाने से क्यों नहीं करते? हम सुदामा के लिए सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। ये तो बिल्कुल सत्य कहा तुमने जमती, आ चलो चलो।
सखा तुम्हारे वस्त्र। मेरे वस्त्र सखा? हाँ सखा, याद है तुम्हें बचपन में तुम्हारे वस्त्र लेकर भाग गया था मैं। और तुम्हें गीले वस्त्र में गुरुकुल आना पड़ा था। कान्हा कहाँ है मेरी धोती? यहाँ है, और यदि धोती चाहिए तो वन में आ जाना जामुन तोड़ने के लिए। बस ये समझ लो आज वही वस्त्र लौटा रहा हूं।